खरगोन जिला अस्पताल के नियमित लैब टेक्नीशियन सहायकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारी अस्पताल परिसर में टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं। रविवार को हड़तालरत कर्मचारियों ने धरना स्थल पर नेत्रदान संकल्प पत्र भरे। कर्मचारी अनिल कोकड़े ने बताया, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही प्रमुख मांगों में पदनाम परिवर्तन, वेतन मान का पुनरीक्षण, नियम समय पदोन्नति, संविदा लैब टेक्नीशियन का नियमितीकरण, प्रदेश के सभी टेक्नीशियन असिस्टेंट का पदनाम पूर्व की तरह लैब असिस्टेंट किया जाए एवं ग्रेड पे 2800 किया जाए आदि शामिल है। हम आपको बता दें कि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, खासकर गंभीर बीमारियों की जांचें प्रभावित हो रही हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज 15 तारीख मकर संक्रांति के पर्व पर तीसरे दिन की हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी है 13 सूत्रीय मांगों को लेकर। और आज हमने तीसरे दिन नेत्रदान का संकल्प लिया है ताकि सरकार की आंखें खुले और हमारी मांगों पर शीघ्र निराकरण कर इस पर विचार कर शीघ्र हमारी मांगे पूरी करे। हमारी 13 सूत्री मांग है जिसमें हमारा पदनाम, हमारी ग्रेड पे, लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट और अटेंडेंस को उनका भुगतान किया जाए, उनकी ग्रेड पे चेंज की जाए, संविदा लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इस तरह की हमारी 13 सूत्री मांगे हैं जिन्हें शीघ्र पूरी की जाए। इसके बाद फिर हम भूख हड़ताल पे जाने पे विचार करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कोकणे, संरक्षक जिला लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन खरगोन। समस्त लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के लैब टेक्नीशियन भी हड़ताल पर है। आज उनका तीसरा दिन है। आज उन्होंने सरकार से मांग की है और उन्होंने अपना नेत्रदान किए हैं का संकल्प भरा है और ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उसे माने। आप एनजीओ की तरफ से समर्थन करने हैं, कैसा समर्थन कर रहे हैं? हाँ, हमारा लायंस क्लब संजीवनी इन टेक्नीशियन की मांगों के संबंध में इनका समर्थन देते हैं और इन्होंने आज नेत्रदान का संकल्प भरा एनजीओ की तरफ से, इनको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।